अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई मलिक सिराज एक दो फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बिज़ी था थोड़ा। तो आज मैं भी आया हूँ I8, हुसैन को भी कॉल की है, वो शावर ले रहा है, तो हमजा भी इधर ही आ रहा है। तो आज हमारा जाने का प्लान है खानपुर शाह की तरफ। वहाँ पे काफ़ी दिनों से हमारा प्लान बन रहा था लेकिन किसी न किसी की वजह से कैंसिल हो जाता था, और लास्ट दो तीन दफ़ा शाम की वजह से एज़ यूजल शाम की वजह से ही कैंसिल हुआ है। तो आज वो हमारे साथ भी नहीं होगा, फिर भी दो तीन दफ़ा कैंसिल होने के बावजूद आज भी वो हमारे साथ नहीं है, नहीं आया। तो बाकी ये है कि अभी मैं बाहर खड़ा था तो मैंने कहा चलें व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। हुसैन को कॉल किया, उसने अटेंड नहीं की, तो मैंने कहा चलें इधर से व्लॉग को आज स्टार्ट कर देते हैं। तो बाकी आज मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है काफ़ी। तो बाकी अभी फिर हमजा आता है, तो हमजा अपनी गाड़ी उसकी मेरे ख्याल में थोड़ी को ख़राब हुई हुई थी, वैसे तो गाड़ी उसकी माशाल्लाह नई गाड़ी है बिल्कुल, थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी तो वो ठीक करवा रहा है, तो वो भी अभी आ जाता है और हुसैन भी अभी निकलता है। तो फिर हम शाह की तरफ चलेंगे, तो आपको लेके चलते हैं खानपुर का एक नया व्लॉग बनाते हैं। तो पहले भी मैंने खानपुर हम इकट्ठे गए थे तब अच्छाम था, नुमान तब भी शायद नहीं था क्योंकि उसकी जॉब का इशू था, तब भी वो नहीं आ सका था। तो आज भी नुमान भी नहीं है, अच्छाम भी नहीं है, आज हम ही हैं, मतलब अमार है, मैं हूँ, शाह है, हुसैन है और हमजा है जिसके अबू इजाज़त नहीं देते। आज उसको अबू ने इजाज़त भी दे दी है। तो बाकी अभी फिर ये है कि वो अभी उन दोनों का मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चले इधर से ही आज ज़रा व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। तो वो आते हैं तो आपको उनसे मिलवाते हैं, फिर आपको खानपुर ले के चलते हैं। जी तो ये अभी हमजा आ गए, तो ये हाँ जी भाई जी गाड़ी यस प्लस हो गई है, दुलवाई काम तो करवाया नहीं है, काम करवाया वैसे तो नहीं है, थोड़ा बहुत काम ही होगा। जितने कम नए इतनी गाड़ी भी नहीं है, देखिए आगे मारी नहीं हुए। क्यों वो बंदा क्या कह रहा थी, क्या कह रहा था कि तुम्हारी शक्ल ही नहीं है इस सेक्टर में रहने वाली, इधर से गाड़ी ले जाओ है, क्या कह रहा था बता। किससे मिलना है, मैंने कहा स्नैन से मिलना है। फिर क्या कहता है, वो कहता है वो अंदर बुलाता है उसको। तो गाड़ी क्यों आगे ले आया, डांटा अच्छा अच्छा, मैंने समझा वो डांटा ही नहीं, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तो अंदर बैठा है। नहीं नहीं भाई नहीं, टिश्यू नहीं है, तू मुझे ना कर ना, तू कर क्या रहा। अच्छा ये बता, तू अब अगर रात को ना नहाता ठीक है तो क्या होता, कल रात भी नहीं नहाया ना, तो ड्यूटी पे था, सुबह ड्यूटी पे था, मुंह तक नहीं धोया फिर। हाँ अच्छा देखना बात सुनना, अब देखना बातें करते ही मैं बड़ा जरा ड्यूटी श्यूटी वाला बंदा हूँ, बड़ा मैच्योर बंदा हूँ। नहीं अब तूने नहा के शाह को जाके देखने, आगे शाह ही है और कौन है आगे, तू इतना तैयार होने लग पड़े, घंटा हो गया, पूरा घंटा हो गया हम तेरा वेट कर रहे हैं। बिल्कुल लश गाड़ी है, सही बात है। देखना ये देख, ये देख भाई आवाज भी नहीं आती भाई, बंदी आएगी कहाँ, स्टार्ट हो रहा है इधर खड़े करके भी ताला लगा दिया था। ओ तो ये पीछे ही जो बैठे थे हमसे, अल्लाह माफी दे इसको, लेके कैसे जाने। ओ कैसे हो, बेचो 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 कलाब की बजाना, हाँ जी भाई क्या हाल है, कोट पा के किधे, पता है क्यों, क्या भाई भाई क्या थे भाई, ये पे चलाने हो मजदूरी तो निकला हुआ हूँ, रोजी कमाओ, रोजी कमाओ, अबे नींद आ रहा है, क्या को करा आ रहा। हाँ हाँ जी हमारा जी
अभी हम पहुंच गए इधर खानपुर, तो ये है कि मैसी का छोटा सा बीच में कमर्शियल आया था, तो उसको मेरा दिल था कि उसको भी ले आए, लेकिन वो ये है कि वो हम बैठे गाड़ी में तो वो कहता है यार मैंने वापस जाना, मैंने समझा तुम लोग तो घंटे डेढ़ के लिए आए हुए हो सिर्फ, उसको मैंने बताया भी नहीं था, मेरा माइंड यही था कि उसको हम पिक करेंगे तो उसको हम साथ ही ले आएंगे। तो फिर हम आपस में थोड़ी सी वो गहमा गहमी में हो गई, मतलब मामलात में, तो वो उस मतलब लड़ाई झगड़े में वो उतर गया, वो कहता है यार मैं उतरता हूँ भाई तुम लोग जाओ ये वो आगे पीछे, वो उधर ही उतर गया। तो बाकी अभी हम खानपुर पहुँच गए हैं, तो आपको चेक करवाते हैं, शाह काम कर रहा है और हसनैन क्या कर, हसनैन भी काम कर रहा है। शाह जी हेलो करें ना जी। अच्छा ये मैसेज कर रही, काम को नहीं कर रहा। अच्छा तू क्या कर रहा है, व्लॉग बना रहा है, गाड़ी में कर रहा है। मैं अभी काम करूंगा ना, ये रखा क्या है शाह ने, ये सीधे रखी है। वालेकुम सलाम, किसको वालेकुम सलाम कह रहा है, चल मैसेज दिखा किसको कर रहा है यार। गांव से मैसेज आ रही है, एक बस आया जी, एक कस्टमर वालों का आया। शाह जी तुम क्या बना रहे हो? हां ये शाह है जी, इससे आपकी पहले मुलाकात हो चुकी है, इसी किचन में हो चुकी है एक दफा इससे आपकी मुलाकात। शाह जी मेरे जो को थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं ना, अभी हमने ना वाइट चिकन कढ़ाई हमने रेडी कर दी है, जल्दी कर दी है। अभी जो है वो बारबेक्यू का सीन बाहर रेडी हो रहा है, उसके बाद फिर जो है ना वो पिज्जा रात को लेट नाइट जो है वो पिज्जा चलेगा। पहले भी जो मेरे जो दो चार सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने आपके पिज्जे की बड़ी भाई यार तुम्हारा दोस्त जो भाई जी पिज्जा बनाता है ना, आज फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये है जी हमारा वो दोस्त जो कभी ग्रुप में प्लान बनने ही नहीं देता। चलो इधर बताओ, इधर आ इधर, तू प्लान क्यों नहीं बनने देता ग्रुप में, तुझे मसला क्या है? बिकॉज मैं सबसे पहले खुद आता हूँ। नहीं ग्रुप में तुझे क्या मसला होता है, ग्रुप में तू क्यों? एक शाह बंदे जिसको तपाने का मजा आता है, गैस कराने का, दूसरा या और तीसरा घर लगी दो महीने हो गए दो चीजें रह गई ऑफिस में ही है, ऑफिस में करते हो तो यार कमिंग वही है तुम्हारी, आना जाना छुट्टी भी मिल जाती है, मजे का माहौल है हमारा। इन्होंने दिया कार्सल वालों को कि आप गाड़ियां पकड़ो, गाड़ियां पकड़ो, गाड़ी। अब ऊंचा ऊंचा बोल, क्या कह रहा था? नहीं नहीं थोड़ी सा डिटेल में समझा ना अपनी जॉब के बारे में, भाई को जो समझा रहा था यार प्लीज व्लॉग में भी थोड़ा सा आना चाहिए, कस्टम का तेरा एक्सपीरियंस। भाई जनाब नहीं समझा सकता, ये मेरा ये रहा, वो प्रिवेंटिव में आना चाह रहा था, कहता था क्या सिस्टम है। शाह जी अब देख लें, पहले भी आपने हमारे को गालियां दी हैं और पिछली वीडियो में भी बड़े लोगों ने कहा है कि जी तुमने कुछ भी नहीं किया, तो वो जो बंदे कह रहे थे स्पेशली काशिफ तुम खुद, ये देख लो। शाह जी खुद जरा बताएं ना किसने बनाई आज कढ़ाई? नहीं नहीं यार आज जो है ना वो शिराज ने काफी हेल्प की है कढ़ाई, शाह ने थोड़ी सी हेल्प की है मेरी, बाकी कढ़ाई मैंने खुद ही बनाई है। तूने थोड़ी सी हेल्प की है ना, बाकी बनाई तो मैंने, ये तो मेन काम ये था एंड में चम्मच चलाना ही सबसे मेन काम था ना, बाकी तो वो तो वैसे ही होता रहता है ना। वो बात वो ये ना, वो जो कहते हैं यार वो मशीन ख़राब थी और वो मैकेनिक ने आके थोड़ी मारी, तो वो उसने पैसे मांगे 2000 रुपये, 2000 रुपये ना, तो उसने क्या यार तो बस तू खाली जो है चमचा हिलाने के लिए ना, वो सारे यही सारा टेस्ट है जो मैं एंड पे बना रहा हूं। और सेना फिर बार बातें कर रही हो यार, ये यार तुम लोग बातें कर रहे हो, देखो यार ये तुमने जला दी हैं। किसने जला दी? बात ये है कि 14 कितने का मैंने है यार, तुम वीडियो बनने के पैसे बांध रहे हो, ये देखना ये देख फ्लैश, और यार हमारे इसको फ्लैश ऑन कर दे भाई, नहीं यार हमारे इसको कर दे, इधर दे यार, मैं जाकर गंदे हो मैं तेरा फोन करना, तेरा फ्लैश ऑन है यार शाह, ये देख अब बंद होगी तो बता कहां बंद जी। तो अभी हम खाना चेक करते हैं कि शाह ने खाना कैसे बनाया है, मुझे तो कोई डाउट नहीं है इस बात पे कि शाह ने अच्छा खाना बनाया होगा, बाकी फिर चेक करते हैं आज, हमारे भी बताएगा कि शाह ने कैसा खाना, हमारा जी जरा आप खुद बताएं आज। मैं तो दुश्मन है पक्का, फिर दुश्मनी निकाल क्या, क्यों शर्मा रहा है? ओए शर्मा ना मैं की, ये वाइट कढ़ाई तो अच्छी बनी है बहुत काफी, और अभी ये चेक करते हैं बारबेक्यू, ये हसनैन ने थोड़े से जला दिए हैं उनकी वजह से शाह जी टेस्ट खराब है, शाह थोड़ा गर्म, चलो आप छोड़ दें आप नहीं खाना चाहते तो, ये भी अच्छा बना
थोड़ा सा बस जल का टेस्ट आ रहा है जो हुसैन ने वो बिरयानी में जला दी है शाड़ी जी जी, बाकी माशाल्लाह आपकी मेहनत नजर आ रही है। वो फोन में लगा रहे हैं वही ना, अब फोन किसका था ये हमें नहीं पता, बंद कर सकता हूँ। चाकू क्यों उठा के आ गया इधर, क्या कर रहे हैं आगे? चाकू कर कर बात कर। अच्छा छोड़ दे, पानी भी आज मैं खुद ही डालता ना, पानी भी मैं खुद ही डालता, पर कितना पानी डालना है चाय में। अच्छा तो आज बनाएंगे जी आपका भाई चाय, मुझे आती नहीं है, मैंने आज तक बनाई नहीं है, लेकिन आज मैंने शाह को कहा है, शाह का दिल नहीं था चाय बनाने का, तो मैंने कहा यार मैं बना दू, तुम इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा कितने पांच बंदे हैं? तो पांच बंदे, ढाई कप पानी डालना। हाँ ढाई कप पानी डाल दो। सही कड़क सी दूध पत्ती बन रही, फिर पानी कम डालना है, पर चलो वो ठीक है, वो क्योंकि दूध डाल लेते हैं नहीं, वो थोड़ी उबली की भी ना अच्छी और मेरी क्या। अच्छा तो आप ढाई कप पानी, दो कप डाल दिए, दो कप डाले, आधा कप और डालो, दूध ज्यादा डाल देते नहीं नहीं, दो कप पानी डाल दिए ठीक है, तीन कप दूध डाल देंगे। सही है, तो पहले उसको चूल्हा तो जलाओ ना, नहीं नहीं पहले चूल्हा जलाओ ना जरा, ये इसका जो है ना कावा सा तैयार होगा उसके बाद। चूल्हा नहीं जलाना, ब्रेड गरम कर लेता है भाई। नहीं नहीं तो भाई चूल्हा क्यों नहीं जला रहा, क्या हो गया? मैंने कहा ये पता नहीं किस तरह खुल गई है। हाँ जलाना चूल्हा जलाना। तो पत्ती डाल दी है जी, पत्ती डाल गई है जी। तो यार वैसे अगर पांच कप बना रहे ना, तो जो छोटी टी स्पून होती है ना वो आप पांच डाल दो, अगर कड़क पीनी है तो। नहीं अगर दूध पत्ती पीनी है तो फिर पत्ती कम डालनी पड़ेगी, फिर वो पांच की जगह तीन डाल। एक कप में मतलब एक कप अगर बनाने तो एक चम्मच पत्ती भी डालनी है। हाँ बड़ी चम्मच नहीं, छोटी टी स्पून। अच्छा चीनी, हाँ चीनी भी, चीनी जो है ना वो दूसरी जो खाने वाली चम्मच है ना वो एक स्पून डाल दो, वो ठीक है। और आप पता किस तरह चलेगा? ये अभी ना पहले तो ये अभी हमने पत्ती डाल दी है ठीक है, अभी इसमें थोड़ी देर बाद चीनी भी डालते हैं, ये जरा इसको जो है ना बॉयल हो जाइए, थोड़ा सा इसका कावा जो है वो पक जाएगा, जैसे पक जाएगा ना फिर उसके बाद इसमें जो है वो हम डालेंगे दूध, और फिर जो है ये सही कड़क बनेगी। सही, कुछ लोग जो है ना वो इस तरह भी बनाते हैं कि सारा कुछ एक दफा डाल दिया और वो मिक्स करके बना लिए, बस ये है कि मेरे ख्याल में तो ये तरीका बेस्ट है। हाँ अच्छा मैं यहाँ रखा हाँ ठीक है, दो कितनी, पांच पांच डालनी है, बस अभी भी दूध भी डाल हो रही। हाँ बस अभी ये देखो बॉयल हो गया ना, कोई समझ नहीं आ रही, ये नहीं चूल्हा ऐसा कर दिया ना, चीनी डाली है ना अभी। हाँ। तो बस ये इसके बाद आप दूध डाल देते, कोई नहीं। अच्छा मुझे एक और बात बता रहे भाई, ये इसकी ये जो आग होती है स्लो रखनी होती है तेज? नहीं नहीं तेज रखनी है, जब जो है ना वो बॉयल होता है वो फिर ऊपर आएगी ना, पर फिर ऐसा कर दो। पर ये है कि हमारे पास एक बंदा था ना ऑफिस में, वो कहता है 11 दफा बॉयल होना चाहिए उसके बाद चाय पींदे को पीनी चाहिए। तो मैंने कहा 11 दफा बॉयल होगी उसके बाद फिर बचेगी ही नहीं, फिर क्या पिएगा वो। हाँ दादा उधर था ना, ये अब 1.5 किलो का ये फुल भर है इसको, पहला तो मुझे कम लगाया भरा तूने, फुल भरो फुल लिया ना, अब गिरेगा सारा। मलिक साहब काम करते हुए ये कितने कप हो गए? हाँ बस ठीक है तीन डाल लें। तेरे भाई की कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, मैं तेरे भाई को बड़ा फिट है। बस कलर चेक कर रहे हैं ये आप जिस किस टाइम मतलब ये बस अभी इसमें तो ना 3-4 दफा बॉयल हो जाए ना फिर जरा सही मतलब स्ट्रांग हो गए। वो स्ट्रांग ही नहीं करनी है यार, सर में दर्द है तो स्ट्रांग भी नहीं, yes, तो फिर स्ट्रांग भी नहीं पड़ेगी ना।
देख ले फिर, हम तो जिस जगह काम शुरू करते हैं ऐसे ही होता है। गैस ही खत्म हो गई है तो। नहीं अब ठीक हो गई है थोड़ी। हाँ बाकी चीज हो गई, पिज्जा बन जाए बस बाकी है। हाँ पिज्जा तो, हाँ पिज्जा स्टार्ट कर लेते। शाह जी मुझसे बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं कि यार तुमने ऐसे हाथ लगाए हैं कि गैस ही ख़त्म हो गई है, मतलब सिलेंडर। यार तुम्हारा हो गया अभी। मसला भी ये है कि पिज़्ज़ा किस तरह बनाएंगे रात को, सुबह को तो कोई नहीं, चलो कोई ना कोई चक्कर चल जाएगा। पीछे, 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 पीछे। अच्छा फटता है वो, देखियो यार कहीं फट ही ना जाए अभी। आग लगी बड़ी है मेरे ख्याल में, तो इसमें आग नहीं लगनी। किधर है वो, चेक करना। वो बुझ गई है, वो काफी देर में ना काली हो जाएगी तब मैं। देखिए जी हमने जो फिर चाय बनाई है उसको बाली नहीं आई, मानते हैं भाई जी फिर चाय यूनिक अच्छी और म्यारी। ओए दरवाजा खोल, किधर किधर याद करोगे? आज तुम्हारा भाई, आज फिर तेरा भाई चाय बना ले, तू सिर्फ चाय पी। खुदा के बंदे मैंने चाय बनाना शुरू किया, गैस ही खत्म हो गई है। क्या चीज खत्म हो गया? पिज्जा नहीं बन सकता रात को। मैंने तो ये वही कहा था, मसाले किधर खोच ले जाएंगे, वो पाकिस्तान आ जाएंगे, वो मुंह छोड़ देंगे, वो नाइजीरिया शिफ्ट हो जाएंगे, वो मुंह छोड़ देंगे भाई जान, तुम्हारे साथ ही हालात है। तू सिर्फ आज चाय पी के बताएं कि चाय बनी कैसी। छोड़ अब, छोड़ छोड़, पहले ये बता चाय कैसी बनी है। इधर इधर इधर, हेलो, चाय कैसी बनी है? इधर कर दोबारा, घूम के आएगा ना? नहीं नहीं एक बार दोबारा कर, मजा आ गया शिराज पुत्र। तू बताए पीले कोट वाले फिट है भाईजान? बकवास कर रहा हूँ ये ना, इतरामन पहले मोड़ रहे हैं, राम बांधने जरा लेके। हेलो 1-0, तूने जो चप्पल मारी लगी नहीं है उसको, उसने देख जो कुशन मारे तेरे मुंह पे लगे, सब ने देखा है नैना जी, आपने देखा है कुशन उसके मुंह पे लगे। नहीं नहीं 1-0, मैं दूसरा जूता मारने लगा था, इसने कहा नमाज पढ़ने लगा, फिर मैंने कह रहा छोड़, नमाज के बाद मार ले। मारूंगा तुझे इसे।